हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पाठ चार जो कि कविता है मेरी श्रीमित अर्थात यादें, यह कविता हम सब पढ़ने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी। इस कविता के द्वारा मेरी श्रीमित मेरी यादों के द्वारा कवि ने गांव के वातावरण का, गांव के परिवेश का, ग्रामीण अंचल का वर्णन किया है। गांव में पाए जाने वाले पेड़ पौधे फल, वहां की जलवायु, साथ में ही वहां की हवा, आम महुआ, वहां का आकाश तारे इत्यादि का वर्णन किया है। गांव में होने वाले जो परिवर्तन है कवि उनके बारे में भी मेरी श्रीमिति कविता में बताते हैं। कवि साथ में ही वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं, बसंत का भी वर्णन करते हैं और यह बताने से नहीं चूकते कि वसंत ऋतु में कोयल किस तरह से गाती है, आम की डालियां उसका इंतजार कैसे करती हैं, और यह भी बताते हैं कि वर्षा ऋतु में जब ताल तलैया में झिंगुर बोलता है तो कैसा लगता है, चिड़ियों के चहचहाने का भी कवि ने वर्णन किया है। यह जो कविता है यह हाइकू विधा में लिखी गई कविता है। हाइकू विधा यह जापानी पद्धति है कविता लेखन की, जिसमें तीन पंक्तियां एक हाइकू में होती हैं। देखेंगे आप, एक दो तीन, तीन पंक्तियां होती हैं। पहली पंक्ति इसमें आप देखें तो पांच अक्षर है, गिनेंगे तो पांच अक्षर आपको मिलेंगे। पहली पंक्ति में हमेशा पांच अक्षर होंगे, पांच वर्ण होंगे, तो दूसरी में सात वर्ण मिलेंगे और तीसरी में फिर से पांच वर्ण मिलेंगे। कहने का मतलब पांच सात पांच, इन सत्रह अक्षरों से और तीन पंक्तियों से हाइकू कविता लिखी जाती है। कविता की विधा है हाइकू। तो कविता हम लोग शुरू करते हैं जिसमें ऋतुओं का और ग्रामीण परिवेश का कवि ने वर्णन किया है। गई है पिकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं, पिकी कोयल प्रतीक्षारत, रत यहां पे यह प्रत्यय लगा है, रत मतलब लगा हुआ, प्रतीक्षा इंतजार, पुनः फिर आम्र, आम्र का अर्थ होता है आम, शाखाएं डालियां। कवि यहां पर वसंत ऋतु के बाद का वर्णन करते हैं। आप जानते हैं कि जब धरती पर वसंत ऋतु का आगमन होता है उस समय चारों ओर एक खुशनुमा वातावरण होता है, चारों ओर हरियाली होती है, फूलों के पौधों में फूल लग जाते हैं, आम के पेड़ों में बौर आ जाते हैं, मंजरी लग जाती है। उसी के बाद का वर्णन कवि कहते हैं। कवि कहते हैं गई है पिकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं। वसंत ऋतु के बाद पिकी अर्थात कोयल मधुर आवाज में कूक भर करके आम की डाली पर से उड़ गई और आम की डालियां जिस पर कोयल बैठ करके कूक भरा करती थी, अपने मधुर आवाज में गाती थी, आम की वे शाखाएं वे डालियां आज भी उस कोयल का इंतजार कर रही हैं। क्लियर है? इस तरह से यहां पर छोटे छोटे कुछ एक प्रश्न बने। पहला तो छोटा प्रश्न, एक शब्द में उत्तर लिखिए कि परिच्छेद में पद्यांश में आए हुए पक्षी का नाम वह है पिकी कोयल। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में से शब्द ढूंढ कर लिखिए, कोयल पिकी। अगला है कि आम्र शाखाएं इसकी प्रतीक्षा में है, पिकी की कोयल की, कोयल की प्रतीक्षा कोयल का इंतजार ये कर रही है आम्र शाखाएं।
आगे बढ़ते हैं दूसरे में, महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जोहता। महुआ एक पेड़ है जिससे महुआ का फूल जो होता है वो गिरता है, ग्रामीण भाग में गांव में पाया जाता है। श्वेत अर्थात सफेद चादर चद्दर जोहना इंतजार करना। कवि आगे कहते हैं, वसंत ऋतु के बीतने के बाद लगभग लगभग वसंत ऋतु जब भी बीतने लगती है उस समय आम के महुआ के पेड़ में सफेद फूल लगते हैं। वे सफेद फूल प्रातः काल में सुबह में पेड़ के नीचे गिर जाते हैं। खड़े हुए महुए अर्थात महुआ के पेड़ में से सुबह के समय सवेरे प्रातः काल में उसके सफेद सफेद फूल नीचे गिर जाते हैं और चारों तरफ महुआ के पेड़ के चारों तरफ वे बिछ जाते हैं, फैल जाते हैं। उन महुआ के गिरे हुए फूलों को देखकर कवि को लगता है कि जैसे महुआ का पेड़ एक जगह खड़ा हो करके किसी का इंतजार कर रहा, किसी का रास्ता देख रहा है। आगे बढ़ते हैं, किसकी व्यथा छा गई बनघटा नभ है घिरा। व्यथा दुख पीड़ा, छा गई बन घटा, घटा बादल, नभ आकाश। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु का आगमन होने के बाद, यहाँ ऊपर हमने ग्रीष्म ऋतु या फिर वसंत ऋतु के बाद के समय को देखा, यहाँ पे वर्षा ऋतु। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु का आगमन होने के बाद आकाश में काले काले बादल घिर जाते हैं। वे काले काले बादल जो आकाश में संपूर्ण आकाश में छाए होते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह किसी का दुख हो, वह किसी की पीड़ा हो, वही आकाश में बादल बन करके चारों तरफ छाई हुई है। प्रश्न बनता है यहाँ पर कि कवि ने घटा अर्थात बादल की तुलना इससे की है, दुख से की है। कवि ने दुख को इसके समान बताया, बादल के समान बताया। बादल यहाँ घिरे हुए हैं, आकाश में घिरे हुए हैं। आगे चलते हैं, सांझ का तारा किसे खोजने आया आम निशा में। सांझ यह तद्भव शब्द है, उसका तत्सम रूप है संध्या या शाम। तारा जिसे सितारे कहते हैं, आकाश में चमकता है जो। आम निशा, आम मतलब यहाँ पे आम का पेड़ नहीं बल्कि अंधेरा है, निशा रात में। कभी रात का वर्णन करते हैं ग्रामीण अंचल में जब हम सितारे देखते हैं। कभी कहते हैं कि जब शाम होती है, संध्या वेला हो जाती है, तो आकाश में तारे चमकने लगते हैं। थोड़ी ही देर में आकाश चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है, रात गहरी हो जाती है। चारों तरफ रात के समय अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। ऐसे में कभी को यह लगता है कि आकाश में चमकने वाले ये जो तारे हैं, वे किसी को ढूंढ रहे हैं। कवि का कहना है कि शाम होने पर आकाश में तारे चमकने लगते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वे अंधेरी रात में कुछ खोजने आए हैं, किसी को खोजने आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन संदेशा ले पवन आया है सुनने तो दो। संदेशा जिसे आप संदेश कहते हैं, मैसेज, पवन हवा। कवि डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी इस हाइकू के माध्यम से गांव में चलने वाली हवा का वर्णन करते हैं जो वर्षा ऋतु के समय प्रायः
चलती है। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में तेज हवाएं चलने लगती हैं। उन हवाओं से एक सनसनाहट होती है, एक आवाज होती है, ध्वनि होती है। उस ध्वनि को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, कुछ कहना चाहता हो, हवा कोई संदेश लेकर आई हो, पवन कुछ कहना चाह रहा हो। इस तरह से कवि यहाँ पे कहते हैं कि वर्षा ऋतु में चलने वाली हवाओं में एक सनसनाहट होती है, एक आवाज, एक ध्वनि होती है। उस ध्वनि को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे हवा कोई संदेश लेकर आई है। रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो। कवि आगे कहते हैं, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी अपनी यादों के पिटारे में आगे कहते हैं कि ग्रामीण परिवेश में, गांव की मिट्टी में एक सुगंध आती रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे गांव की मिट्टी में मेहंदी की गंध समाई हो, और वह गंध मेहंदी के समान आने वाली मिट्टी की वह खुशबू, वह गंध आज भी याद आती है। रची बसी होना अर्थात समाई होना, समाहित होना। मेहंदी आप जानते हैं श्रृंगार के काम आती है। गंध, गंध मतलब खुशबू। अब इसमें अगर हम उपसर्ग लगाएं तो गंध के पहले अगर हम सु लगा दें तो सुगंध, और दुह लगा दें तो दुर्गंध। सु और दुह दोनों लगा के आप यहाँ पे उपसर्ग जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे गंध में आप उपसर्ग के साथ प्रत्यय जोड़ना चाहें सुगंध से, सुगंधित इत प्रत्यय जुड़ जाएगा। अर्थात कवि को अपने गांव की याद यहाँ पर खूब आ रही है। खुल गए हैं पी कहां पुकार से पृष्ठ पिछले। जैसे ही कोई ऐसा मिलता है, अपनी भाषा बोलता हुआ मिल जाता है किसी को, अगर हम अपने गांव की, अपने यहाँ की भाषा में बात करते सुनते हैं पाते हैं तो हमें अपने गांव की, अपने लोगों की याद हो आती है। कभी उसी का वर्णन करते हैं, खुल गए हैं पी कहां पुकार से पृष्ठ पिछले। पी, पी का अर्थ है कोयल, और कुछ एक लोग पपीहा भी कहते हैं। पृष्ठ, पृष्ठ मतलब यादें, स्मृतियां। कभी कहते हैं कि जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है वैसे ही बगीचों में आम की डालियों के ऊपर सभी जगह पर कोयल मधुर आवाज में बोलने लगती है। कोयल की मधुर आवाज को सुन करके जो पिछली यादें हैं वे ताजा हो जाती हैं, खुल जाती हैं। अर्थात जैसे ही कोई अपनी भाषा में जब बोलता है तो हमें अपने गांव की याद हो आती है, वैसे ही कवि कहते हैं कि जब वसंत ऋतु में पेड़ की डाली पर बैठी हुई कोयल मधुर आवाज में बोलती है तब हमें पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और हम पुरानी यादों में खो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कटे बिरिच गांव की दोपहर खोजती छाया। कभी कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है, हर वस्तु हर चीज समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, उसमें बदलाव आता रहता है, और यह बदलाव, यह परिवर्तन, यह संसार का नियम है, अटल सत्य है। कहा गया है समय समय सुंदर सबय, रूप कुरूप न कोई। समय के साथ हर वस्तु सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। उसी तरह से कभी यहाँ पे भी गांव में होने वाले, गांव में आने वाले परिवर्तनों का भी वर्णन करते हैं। कभी
ने यहाँ पे ग्रामीण परिवेश में आने वाले बदलाव को बहुत सुंदर तरीके से वर्णित किया है। बिरिच तद्भव शब्द है, शुद्ध है वृक्ष। दोपहर यह तद्भव है, तत्सम है दोपहर। छाया समानार्थी शब्द है छाया। कवि डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी कहते हैं कि धीरे धीरे देखते देखते गांव में भी विकास होने लगा, वहां भी विकास पहुंच गया और इस परिवर्तन के कारण, नव निर्माण के कारण गांव के लोगों ने ही गांव के वृक्षों की कटाई कर दी, गांव के पेड़ों को काट दिया गया। अब ग्रीष्म ऋतु आने पर, गर्मी का मौसम होने पर गांव में तेज दोपहर होती है, अर्थात तेज धूप लगती है और गांव के लोग दोपहर के समय पेड़ की छाया की खोज करते हैं, तलाश करते हैं। वह पेड़ जो उनको गर्मी से बचाता था, उनको छाया देता था, गांव के लोगों ने बदलते समय के अनुसार विकास के चक्कर में पड़ करके अपने वृक्षों को काट डाला। अब गर्मी की ऋतु में दोपहर के समय जब तेज धूप होती है तो वहां पर उन्हें छाया नहीं मिलती है, वे पेड़ की छाया की खोज करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे सुंदर लाइनें इस कविता की, गांव मुझको मैं ढूंढता गांव को हो गए दोनों, गांव मुझको मैं ढूंढता गांव को हो गए दोनों। यहां पे कवि ने शहर में और गांव में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है। कवि इस साधारण सी हाइकू के माध्यम से बताते हैं, कहते हैं कि बदलते समय के अनुसार, बदलते समय के अनुसार गांवों में और शहरों में दोनों में परिवर्तन हुआ। वे कहते हैं, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी कहते हैं कि आज हमारे गांवों में तथा शहरों में बहुत अधिक बदलाव आ गया। गांव आने वाले लोग गांव आते हैं तो वे चाहते हैं कि गांव उन्हें वैसा ही दिखाई पड़े जैसा वे छोड़ कर गए थे, परंतु गांव में परिवर्तन हो चुका है। गांव में पेड़ कट चुके हैं, गांव के में कच्चे मकान गिरा दिए गए हैं, उनके स्थान पर पक्के मकान आ चुके हैं, अर्थात गांव में पूरा परिवर्तन हो चुका है। गांव में कच्ची सड़कों की जगह, चक्रोट की जगह, छोटी छोटी पगडंडियों की जगह अब पक्की सड़कें और खड़ंजे बन गए हैं। इसलिए जो गांव के बाहर से आते हैं, जो शहर में रहते हैं, वे गांव आने के बाद पुराने गांव को ढूंढते हैं और गांव में आए हुए उस व्यक्ति को जो शहर में रहता है उसको भी गांव देखता है और उसमें पुराने व्यक्ति की तलाश करता है। लेकिन शहर में रहते रहते उसमें भी पूरा परिवर्तन हो चुका है, न गांव गांव रह गया है, न शहर शहर रह गया। गांव न शहर को पहचानता है और न शहर गांव को पहचानता है। कहने का तात्पर्य है कि बीतते समय के साथ, बदलते समय के साथ गांव और शहर के लोगों के जीवन में, उनके जीवन जीने के ढंग में, पद्धति में बदलाव आ गया है। काफी परिवर्तन गांव में भी हो चुका है, शहर को गांव अब नहीं पहचान पाता और गांव भी शहर को नहीं पहचान पाता। दोनों एक दूसरे की तलाश करते हैं परंतु एक दूसरे को खोज नहीं पाते। आगे बढ़ते हैं, वर्षा की सांझ बजाते शहनाई छिपे झिंगुर। झिंगुर एक कीड़ा होता है, यह वर्षा ऋतु में गांव में बोलता है और तिलचट्टे की तरह होता है। सांझ संध्या, वर्षा बरसात। शहनाई एक वाद्य यंत्र है। आपसे पूछा जा सकता है कि पद्यांश में आए हुए वाद्य यंत्र का नाम लिखिए, तो शहनाई। कवि यहां पर
इन पंक्तियों में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं और वर्षा ऋतु के समय गांव में क्या कुछ घटित होता है उसका वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है, शाम का समय होता है, तो गांव की ताल तलैया में, खेत खलियानों में चारों तरफ झींगुर नामक कीड़ा बोलने लगते हैं और उनकी आवाज को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कहीं पर कोई शहनाई शुभ मुहूर्त पर बजाई जाने वाली शहनाई बजा रहा है। कवि कहते हैं कि बरसात के मौसम में जब संध्या बेला होती है तो शाम होते ही खेत खलियानों में ताल तलैयों में झिंगुर बोलने लगते हैं। उनकी आवाज को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कहीं पर कोई शहनाई बज रही हो। तो यहाँ पर कवि ने झिंगुर की आवाज की तुलना वह शहनाई से की हुई है। अगली पंक्तियों में चलते हैं। बजाने आई पिकी छिप बांसुरी अमराई में, पिकी कोयल, बांसुरी मुरली वंशी, अमराई आम का बगीचा। कवि कहते हैं कि धीरे धीरे मौसम बदला, ऋतुएं बदली। जैसा मैंने कहा, समय गतिशील है, परिवर्तनशील है। फिर से ऋतु बीत गई, वर्षा की ऋतु बीत गई, शीत ऋतु आई, हेमंत ऋतु आई और शिशिर ऋतु आई और देखते देखते फिर से वसंत ऋतु का आगमन हुआ। बजाने आई पिकी छिपी छिप बांसुरी अमराई में, कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु आने पर, वसंत ऋतु का आगमन होने पर जो कोयल आम की डालियों को इंतजार में, पहली हाइकु थी, याद होगा आपको, जो कोयल आम की डालियों को प्रतीक्षारत छोड़कर गई थी वह कोयल वापस आम के बगीचे में लौट आई है। और फिर से वसंत ऋतु के आगमन होने पर वह कोयल आम की डालियों पर बैठकर पत्तों में छिप करके मधुर आवाज में गाने लगी है। उसकी आवाज को, मधुर आवाज को, सुरीली आवाज को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई मुरली बजा रहा है। यहाँ पे स्पष्ट होना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित शब्द के लिए पद्यांश में आया हुआ शब्द, तो आम उसके लिए अमराई ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि यह अमराई में आ चुकी है पिकी। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां। फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता, फूल खिलता महक मुरझाता, महक खुशबू सुगंध, मुरझाता अर्थात मुरझाना, नष्ट हो जाना, मर जाना, स्वप्न बनता, स्वप्न सपना। कवि कहते हैं कि किसी उपवन में, किसी गुलिस्ता में, फूल के बगीचे में फूल खिलता है, वसंत ऋतु आने पर फूल खिल जाता है। और वसंत ऋतु आने पर जहां वह फूल खिलता है, खिलने के बाद अपनी सुगंध से, अपनी महक से, अपनी खुशबू से वह चारों दिशाओं को महका देता है और फिर कुछ समय के बाद वह फूल मुरझा जाता है। फिर से देखिएगा, कवि कहते हैं डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी कि वसंत ऋतु का आगमन होने पर उपवन में, फूलों के बगीचे में, गुलिस्ता में फूल खिलते हैं और खिलने के बाद वह अपनी महक से, अपनी सुगंध से चारों तरफ
के लोगों को आकर्षित करता है, चारों दिशाओं को महका देता है, सुगंधित कर देता है, और उसके बाद कुछ समय के बाद वह मुरझा जाता है, अर्थात मुरझाने के पहले, मरने के पहले, खत्म होने के पहले वह खिलने का काम और महकने का काम अवश्य करता है, स्वप्न बनता। इसी तरह से मानव भी है, मानव का जीवन भी है, वह धरती पर जन्म लेता है, फूल की तरह खिलता है अर्थात जन्म लेता है, कर्म करता है और अंतिम में इसी धरती में, उस धरती पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है अपना कर्म करके। कभी कहते हैं इसी तरह से जैसे हमारे सपने होते हैं, उन्हीं सपनों के समान ही यह फूल होता है। आगे बढ़ते हैं। बड़े सवेरे, सवेरे अर्थात सुबह प्रातः काल, उठ जाती चिड़िया जगाता कौन। एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, खिलता मुरझाता बनता शब्द युग में है सब। बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया जगाता कौन। सुबह सवेरे मतलब सुबह प्रातः काल चिड़िया आप जानते हैं, जगाता कौन। कभी यहाँ पे प्रकृति की महानता का गुणगान करते हैं, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा करते हैं। उनका यह कहना है कि प्रकृति वह सर्वशक्तिमान है, स्वतः चलायमान है। इंसान को अलार्म लगाना पड़ता है उठने के लिए, जागने के लिए, हर एक चीज के लिए, लेकिन वे कहते हैं जब उषा काल होता है, सूर्य की किरणें धीरे धीरे धरती को प्रकाशमान बनाने लगती हैं, सुबह होती है, उस समय चिड़िया अपने आप से उठ जाती है।